स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ की बुक से चैप्टर नंबर 2, बहुपद यानी पॉलीनोमियल्स। तो बहुपद को समझने से पहले इसके कुछ बेसिक शब्दों को हमें समझना जरूरी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास पहला शब्द है चर यानी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स वे राशियां या चिन्ह होते हैं जिनके मान यानी वैल्यू निश्चित नहीं होता है। चर राशियां उनको हम कहते हैं जिन राशियों के मान निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात बदलते रहते हैं। हमारे पास जो चर राशियां होती है वो है ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। इन्हें हम एलजेब्रा यानी बीजगणित में चर राशियां कहते हैं। दूसरा शब्द हमारे पास है अचर यानी कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स वे राशियां जिनके मान यानी वैल्यू निश्चित होते हैं। वे राशियां जिनके मान फिक्स होते हैं, वैल्यू फिक्स होते हैं, उनको हम अचर राशियां कहते हैं। तो अचर राशियों में हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, इनको हम चर अचर राशियां कहते हैं। तीसरा शब्द हमारे पास है बीजी व्यंजक यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजी व्यंजक जो होता है वो हमारे ऊपर के दो राशियों यानी चर राशियों और अचर राशियों का एक कॉम्बिनेशन होता है। हम कह सकते हैं चर व अचर राशियों का संयोग या कॉम्बिनेशन जो प्लस माइनस इनटू और डिवाइड यानी धन ऋण गुणा और भाग के चिन्हों से संबंधित हो, उन राशि उनको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजकों के कुछ उदाहरण हम लेते हैं। 2x ये एक बीजी व्यंजक है, 3x प्लस 4, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ऐसे ही 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3/2, तो इनको हम कहते हैं बीजी व्यंजक। आप यहां देख सकते हैं चर और अचर राशियों का संयोग है यानी कॉम्बिनेशन है। यहां पे हम देखें तो दो नंबर्स 2 आए हैं, मतलब ये एक अचर राशि है और एक्स यहाँ चर राशि है। तो यहाँ चर और अचर राशियों का मल्टीप्लाई यानी गुणा करके लिखा गया है। ऐसे ही हम यहाँ देखें तो 3x प्लस 4, तो यहाँ पे 3 और x यानी अचर और चर राशियों को मल्टीप्लाई करके उसके साथ एक अचर राशि को जोड़ा गया है, प्लस किया गया है। तो इसी तरह से हमारे पास पद है बीजी व्यंजक है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 4। ऐसे ही हमने एक और एग्जाम्पल लिख लिया है 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3/2, यहाँ पे 3/2, 3 और 2 को डिवाइड करके यहाँ पे लिया गया है। इसके बाद हमें अगले शब्द को समझना है जो होता है पद यानी टर्म्स। तो पद क्या है? बीजी व्यंजकों के वे भाग या पार्ट्स, बीजी व्यंजक जो होते हैं, अभी हमने बीजी व्यंजकों को देखा है, तो इन बीजी व्यंजकों का वह पार्ट जो प्लस या माइनस चिन्हों से अलग होता है, जो प्लस और माइनस चिन्हों से भाग अलग अलग होते हैं बीजी व्यंजकों के, उनको हम पद कहते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक बीजी व्यंजक 3x प्लस 4, तो इस 3x प्लस 4 बीजी व्यंजक में जो हमारे पद हैं, में पद 3x जो प्लस के चिन्ह से यहाँ पे एक अलग हो गया और इसी प्लस के चिन्ह से ये दूसरा अलग हो गया, तो दो अलग अलग यहाँ पे पद हमें मिल जाएंगे। तो 3x और यहाँ पे 4 दो पद है। ऐसे ही हमारा अगला एग्जांपल हो सकता है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 में पद क्या क्या है? तो प्लस के चिन्ह से जो अलग हो रहा है वो है 5x स्क्वायर, तो ये एक टर्म है यानी पद है। दूसरा पद जो 3x है, 3x, और लास्ट जो चौथा तीसरा पद है वो है 4 माइनस 4, तो माइनस चिन्ह से यहाँ से अलग हुआ है 4, तो हम तीसरे पद में लेंगे माइनस 4। तो यहाँ इस बीजी व्यंजक में हमारे पास 3 पद दिए गए हैं।
तो आइए समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद, बहुपद यानी पॉलिनोमियल, जैसा कि यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुपद यानी जिस बीजी व्यंजक में बहुत सारे पद हो, जिस बीजी व्यंजक में बहुत सारे पद हो उन्हीं को बहुपद कहते हैं। बट यहाँ पे ये परिभाषा थोड़ी अधूरी रह जाती है, इसलिए हमें इसको कहना होगा ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर केवल धन पूर्णांक व शून्य घातांक यानी पावर वाले हो। तो बहुपद हम उसको कहेंगे ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घातांक होती है यानी पावर होता है वो सभी का सभी धनात्मक होना चाहिए, यानी ऋणात्मक पावर नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ इसके उदाहरण को ले की बात कर लेते हैं। हमारे पास 2x+4 ये एक बहुपद है जहां पे x का जो घातांक है वो एक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे ही 3x²-4x+7 ये दूसरा बीजी व्यंजक, यहां पर भी जो x की घातांक है वो पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, यहां भी x की घात एक है और वो भी धनात्मक है। यहां पर 7 जिसमें एक्स चर राशि की घातांक शून्य है। ऐसे ही अगला उदाहरण हो सकता है 7x³+4x²+8x-7। एक और एग्जाम्पल हमें यहां समझना जरूरी है, √2x-5। यहाँ पे केवल नंबर दो ही रूट में रखा गया है, एक्स जो रूट से बाहर है। अगर हो सकता है किसी बीजी व्यंजक में एक्स यानी वेरिएबल को अगर रूट में लिख दिया जाए तो वो बहुपद के श्रेणी में नहीं आएगा, जैसे कि हम लिखे हैं यहाँ पे 2√x, तो ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। अब बहुपद की घातांकों यानी डिग्री के आधार पे बहुपदों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें प्रमुख श्रेणियां हैं रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद हम उस बहुपद को कहते हैं जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात एक होती है, यहाँ पे चर राशि की जो घात होगी एक होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 2x+5 या 7x-8 या 8x+2/7, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं द्विघात सॉरी रैखिक बहुपद के, जिसमें चर राशि, यहां पे आप देख सकते हैं चर राशि x है जिसका पावर एक है जो लिखा नहीं गया है। ऐसे ही दूसरा जो हमारे पास बहुपद है इसमें x की भी घात जो सबसे बड़ी घात है एक, यहाँ पर x की घात 0 है, 8 के साथ जो वेरिएबल है उसकी घात 0 है इसलिए वो लिखा नहीं गया है। ऐसे ही यहाँ पे 8x+2/7, यहाँ पे भी चर राशि की जो सबसे बड़ी घात है, चर x की सबसे बड़ी घात एक है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा बहुपद या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात दो होती है, यानी यहाँ पे चर की जो घात होगी सबसे बड़ी वाली घात यानी डिग्री वो दो होता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2x²+5x-3, 2x²+5x+3। अब यहाँ पे हम चर को अगर देखते हैं तो यहाँ चर है x जिसकी सबसे बड़ी घात है 2, यहाँ पे दूसरा जो चर है x है उसका घात है 1, तो यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है हमारा त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो त्रिघात बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 3 होती है, यानी सबसे बड़ा जो घात होता है यानी डिग्री वो अगर 3 हो तो हम कह सकते हैं बहुपद त्रिघात बहुपद है।
एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टू। एक्स क्यूब यहाँ एक्स की सबसे बड़ी घात, मैंने चार रात जो हम देख रहे हैं एक्स यहाँ भी एक्स है लेकिन इसमें सबसे बड़ी घात है तीन, तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात तीन है इसलिए हम इसे त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बहुपदों के शून्य, बहुपदों के शून्य यानी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी बहुपद का शून्य, उसमें जो चर राशि होती है उस चर राशि का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य कर देता हो, यानी एक्स या चर राशि का वह मान जिससे पी एक्स जीरो हो जाता है। यानी बहुपद का शून्य क्या होता है, तो चर राशि यानी उस बहुपद में जो भी चर आता है, अगर बहुपद में चर x होता है तो चर राशि का वह मान जिससे पॉलिनोमियल का यानी पी एक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। यहां पर हम एग्जांपल के लिए एक बहुपद पी एक्स इक्वल फाइव एक्स माइनस थ्री, तो इस बहुपद का शून्य हम ज्ञात करते हैं तो हमें लेना होगा 5x माइनस 3 इक्वल 0। 5x जो पॉलिनोमियल है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुपद का शून्य वो मान होता है जिससे कि px 0 हो जाता है, तो हम यहाँ पे px को लेंगे 0 क्योंकि हमें शून्य को फाइंड करना है और शून्य वह मान होता है जिससे बहुपद का px यानी बहुपद 0 हो जाता है यानी px बराबर 0 होता है, इसलिए हमने लिया है px इक्वल 0 इक्वल टू 5x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले 3 को ट्रांसफर करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल प्लस 3 और फिर 5 को अगर ट्रांसफर कर लेते हैं तो x इक्वल आता है 3/5, तो 3/5 ये इस पॉलिनोमियल px का शून्य है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुपदों के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ। द्विघात बहुपद को अगर हम ग्राफ पे शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास तीन स्थितियां हो सकती है, जिसमें पहली स्थिति है जो हमारा ग्राफ होता है वो ये शेप में हो सकता है, इस शेप में हमारा ग्राफ हो सकता है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो बहुपद ए एक्स प्लस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो लाइन है वो एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी इसका अर्थ ये हुआ इस बहुपद के शून्य यहाँ पे दो होंगे, इस बहुपद के शून्य कितने होंगे, दो। ऐसे ही दूसरी स्थिति में ग्राफ इस तरह का हो सकता है, यहाँ पर भी बहुपद के शून्यकों की संख्या दो है, तो यहाँ दूसरी स्थिति में जो बहुपद का लाइन ग्राफ है वह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है या ये कहें प्रतिच्छेदित कर रहा है। दूसरे लाइन ग्राफ में भी स्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें एक्स अक्ष को जो लाइन है बहुपद का जो लाइन है वो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ऐसे में शून्यकों की बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होगी, यहाँ पे कितने शून्यक होंगे, एक, क्योंकि जो हमारे बहुपद की लाइन ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। दूसरे भाग में भी जो लाइन है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है इसलिए यहाँ पे बहुपदों के शून्यकों की संख्या एक होगी। तीसरे स्थिति में जो हमारा ग्राफ है वो किसी भी अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी अगर देखें तो जो हमारा ग्राफ है बहुपद का जो लाइन ग्राफ है
वो किसी भी अक्ष को एक्स या वाई अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, दूसरे भी फिगर में ऐसे ही है। तो यहाँ पर बहुपदों की बहुपद के शून्यकों की संख्या जीरो होगी। यहाँ पे बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो जीरो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।